नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत इन्फोटेक में। जैसा कि आप ऊपर देख चुके होंगे, हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की पहल पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश की बीजेपी पार्टी ने दावेदारों को खड़ा कर दिया है। यहाँ पर जो है 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव में कौन कहाँ से खड़े हो रहे हैं ये सभी जारी कर दिया है। सीटों का विभाजन हो चुका है और अब देखते हैं किसने कहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है, वो किन लोगों को प्राथमिकता यहाँ पे दी जा रही है, इस वीडियो के माध्यम से उनको जानेंगे। दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत सामान्य बात है, हमारा एजुकेशन से संबंधित वीडियो नहीं है, लेकिन ये भी आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है और चुनावी माहौल चल रहा है। तो इसी के चलते भोपाल समाचार की खबर निकल के आ रही है कि सीटें हुई जारी, कैसा क्या ऐलान है, पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आरएसएस ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश में आरएसएस के संबंधित सभी संगठित भाजपा को जिताने के लिए जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल भाजपा के पास 26 सीटें हैं। अमित शाह चाहते हैं कि इनमें से एक भी कम ना हो। तो पिछली बार पिछली पंचवर्षीय योजना का चुनाव हुआ था जिसमें कि जो थी 26 सीटें यहाँ पर बताई जा रही हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री अमित शाह जी, इनका कहना है कि इसमें एक भी सीट मिस नहीं करनी है। आगे क्या है, प्रत्याशियों का चयन इस बार केवल भाजपा हाईकमान की तरफ से नहीं होगा बल्कि आरएसएस और उससे संबंधित संगठनों के सुझाव पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल भाजपा सूत्रों के एक लिस्ट लीक की गई है, कहा जा रहा है कि ये भाजपा से संबंधित प्रत्याशी हैं और इनमें से ज्यादातर का टिकट फाइनल है। लिस्ट इसलिए लीक की गई है ताकि संभावित प्रत्याशियों के संदर्भ में पार्टी कार्यकर्ताओं का रुख एवं जनता का मूड लिस्ट जारी करने से पहले ही पता चल जाए। दोस्तों ये एजुकेशन से संबंध नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये जो जानना आपके लिए जरूरी था इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। चलिए देख सकते हैं कि 29 सीटें कौन कौन सी संभावित जारी की गई है। जबलपुर से बात की जाए जो लोकसभा चुनाव में सीट मिली है तो राकेश सिंह जी का यहाँ पे नाम घोषित किया गया है। इंदौर से बात की जाए तो सुमित्रा महाजन जी बीजेपी से लड़ेंगी। विदिशा से बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान माननीय श्री मुख्यमंत्री जो पूर्व रह चुके हैं। वहीं टीकमगढ़ से बात की जाए तो वीरेंद्र खटीक जी का नाम यहाँ पे सामने आया। भोपाल से बात की जाए तो आलोक शर्मा जो कि महापौर हैं भोपाल के, और ध्रुव नारायण सिंह जी का नाम यहाँ सामने आ रहा है। ग्वालियर से बात की जाए वहीं पर तो माया सिंह जी का नाम, अनूप मिश्रा जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम सामने आया है। मुरैना से बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा और अनूप मिश्रा जी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। भिंड से बात की जाए तो अशोक अर्गल, संध्या लाल और लाल सिंह आर्य जी का नाम सामने आ रहा है। गुना से बात की जाए वहीं तो प्रभात जी जहाँ और हरी सिंह यादव जी या जयभान तवैया जी। वहीं बालाघाट से बात की जाए तो गुना से प्रभात जी का नाम आ रहा है। और यहीं बालाघाट से बात की जाए तो लता एलकर, मौसम बिसेन और नीता पटेरिया जी का नाम सामने आ रहा है। छिंदवाड़ा से बात की जाए तो बड़े ही चेहरे तलाश में हैं, अभी किसी का नाम नहीं आया है छिंदवाड़ा से, जहां से अपने माननीय श्री कमलनाथ जी हैं। मंडला से बात की जाए तो भगवान सिंह जो है कुलस्ते, संपत्ति अविकी और ज्योति ओम प्रकाश दुर्वे जी का नाम आ रहा है। शहडोल से बात की जाए तो रामलाल रोहतेल जी और ज्ञानी सिंह जी का नाम आ रहा है। सीधी से बात की जाए तो रीति पाठक जी और गोविंद मिश्रा जी का सीधी से नाम आ रहा है सामने। सतना से बात की जाए तो गणेश सिंह जी का सामने नाम आ रहा है लोकसभा चुनाव में। रीवा से बात की जाए तो जनार्दन मिश्रा और गौरव तिवारी जी का नाम इस बार सामने आ रहा है। उज्जैन से बात की जाए तो चिंतामणि मालवीय और सत्यनारायण जाटिया जी का नाम आ रहा है। देवास से रेखा रत्नाकर जी और सुरेंद्र वर्मा जी का नाम आ रहा है। दमोह से प्रहलाद पटेल और अभिषेक भार्गव जी जो कि गोपाल भार्गव जी के पुत्र हैं और ये जो है विपक्ष के नेता हैं गोपाल भार्गव वर्तमान में। सागर से लक्ष्मी नारायण यादव और जयंत मलिक जो पूर्व वित्त मंत्री हैं और वर्तमान में विधानसभा चुनाव में जो हारे हुए थे तो लोकसभा चुनाव में पार्टी से इनको प्राथमिकता दी जा रही है। रजनी से अग्रवाल जी, राजगढ़ से बात की जाए तो रोडमल नागर और रघुनंदन शर्मा और मोहन शर्मा जी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। चलो आगे बात की जाए खरगोन से तो अंतर सिंह आर्य जी और सुभाष पटेल जी का नाम लोकसभा चुनाव में आ रहा है। मंदसौर से बंसीलाल गुर्जर जी और सुधीर गुप्ता जी का नाम सामने यहाँ पे आ रहा है। खजुराहो से कुसुम मैदेली जी, संजय नगाइच और ललिता यादव जी। और यहाँ पर बात की जाए होशंगाबाद से तो प्रहलाद पटेल जी जो यहाँ दमोह से लड़ रहे थे वो वहाँ से भी लड़ रहे हैं और राव उदय प्रताप सिंह जी का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। रतलाम से वहीं बात की जाए तो निर्मला भूरिया जी और जो है संघ की पसंद उम्मीदवार है निर्मला भूरिया जी। धार से छत्तर सिंह दरबार जी और मालती पटेल जी और मुकाम सिंह जी। खंडवा से बात की जाए तो नंद कुमार चौहान जी और अर्चना तिस्ने जी। आगे बैतूल जो लास्ट है डीडी उइके और गंगाबाई उइके, इनका नाम लोकसभा चुनाव में अभी ये चेहरे सामने आए हों। लोकसभा चुनाव की बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है, अभी इन उम्मीदवारों के लिए सरकार जो है फाइनल करती है बीजेपी या नहीं करती है, कैसा क्या रहेगा दोस्तों, इसी के चलते जो भी खबर आएगी हम आपके लिए जरूर प्रदान करेंगे। तो ये चेहरे जो है, ये खबर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि लीक हुई है, ये फिलहाल में जो है मध्य प्रदेश में 26 सीटें हैं। और नीचे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फाइनल नहीं है लेकिन उन्होंने लिस्ट जारी की है, सुझावों गंभीरता दिया जाएगा। जो है लिस्ट लीक हुई है, लीक हुई मतलब यहाँ पर संभावित जो है कैंडिडेट सामने किए गए हैं, अब इसमें से कुछ कम भी हो गए हो सकता है इनको फाइनल रखा जाए। आगे जो भी होगा जो आपके लिए जरूर हम प्रदान करेंगे अपनी इस YouTube चैनल के माध्यम से। वीडियो में इतना ही, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।